खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आपको बता दें, रफेल का मुद्दा जो पिछले काफी वक्त से गर्मा रहा है, उसी मामले पर आज सीएजी की रिपोर्ट जो संसद में पेश हो गई, लेकिन इसके बावजूद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनकी कामना है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। लोकसभा में मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान, कह रहे हैं मैं चाहता हूं, मेरी कामना है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। अब ऐसी कामना मुलायम सिंह यादव क्यों कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के इस बयान के मायने क्या हैं, ये अभी समझ से परे हैं, लेकिन बड़ा बयान दे दिया है कम से कम मुलायम सिंह यादव ने, जिसे लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई। कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गए, ये हमारी इच्छा है। ये सब कामना तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसका इतना बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। तो देखा आपने किस तरीके से ये दिलचस्प बयान मुलायम सिंह यादव का, जिनके बेटे और जिनकी पार्टी के मुखिया ने मोर्चा खोल रखा है नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का, वही मुलायम सिंह यादव सदन में खड़े होकर हाथ जोड़कर कामना कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है, मैं कामना करता हूं कि भाई दोबारा से प्रधानमंत्री बने देश के नरेंद्र मोदी। आइए वापस लौटते हैं अपने शो पर। लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी। बीजेपी का दावा, मोदी सरकार पर कोई दाग नहीं, लेकिन राहुल गांधी रफेल को लेकर लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। रफेल डील पर हम चर्चा शुरू करें, उससे पहले आपको एक रिएक्शन, हम प्रतिक्रिया एक ले लेते हैं मुलायम सिंह यादव पर, सीधे रुख करेंगे हमारे साथ। पहले एक बार सुन लीजिए क्या कहा मुलायम सिंह यादव ने। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गए, ये हमारी इच्छा है। ये सब कामना है तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसका इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चलिए चर्चा हम रफेल पर करें, उससे पहले यहाँ एक टिप्पणी लेना बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस की तरफ से। अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है अभय दुबे जी, गठबंधन उत्तर प्रदेश में आपका नहीं बन पाया समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ, वजह यही क्या? ये क्या दोहरा रवैया है समाजवादी पार्टी का जो आज सामने निकल कर आ गया है? अभय दुबे जी किस तरीके से देख रहे हैं आप मुलायम सिंह यादव के इस बयान को? और इधर लगाते ना। देखिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश और देश की जो मनोकामना है उनके खिलाफ बयान देंगे तो स्वीकार नहीं जाएंगे, उनके स्वयं के सुपुत्र इस बयान को नहीं स्वीकारेंगे, बहन मायावती नहीं स्वीकारेंगी, वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि जनता ने मानस बना लिया है। मुलायम सिंह यादव इस तरीके का बयान लोकसभा के भीतर खड़े होकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर क्यों दे रहे हैं? अब देखिए ये वजह तो समाजवादी पार्टी बेहतर तरीके से बता सकती है कि क्या उनको विश्वास में नहीं लिया गया, या जो गठबंधन हुआ है उससे उनको इस बात का आभास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह परास्त होने वाली है, या प्रियंका गांधी जी के आने से उनको लगता है कि शायद बाकी के दल अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो मुझको इन संदर्भों में मैं नहीं, बेहतर है कि समाजवादी पार्टी बयान दे, पर पूरे देश की भावना के खिलाफ अगर मुलायम सिंह जी बयान देंगे तो वो स्वीकारा जा ही नहीं सकता किसी सूरत में। ठीक है सर, कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तालमेल की कमी बाप और बेटे के बीच में। और आइए अब शुरुआत करते हैं, आज संविधान की शपथ में चर्चा की और सीधे हम रुख करेंगे, मेरे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल शाहनवाज हुसैन के साथ ही होगा, लेकिन उससे पहले जरा एक नजर डाल लीजिए किस तरीके से रफेल के मुद्दे पर आर पार के मूड में हैं अभी भी दल, सीएजी रिपोर्ट आने के बावजूद। रफेल पर सीएजी रिपोर्ट आई, मोदी सरकार के लिए राहत लाई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की रफेल डील यूपीए से सस्ती। बीजेपी बोली सीएजी रिपोर्ट से महा झूठ बंधन का झूठ बेनकाब। ये भी स्पष्ट हो गया जो प्रतिदिन एक झूठ बोला जाता है, झूठ बोलने वालों का सर
पूरे देश के सामने शर्म से झुक जाना चाहिए। मौजूदा सीएजी श्री महर्षि 11 महीने के लिए सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स का पॉलिसी और नीतियों से संबंध होता है, परचेजेस से नहीं होता, खरीदारी से नहीं होता। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं। अगर महा झूठा किसी को कहना हो या इसके संबंध में कोई पुरस्कार देना हो तो राहुल गांधी इसमें नंबर एक हैं। लगातार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, उनको लज्जा भी नहीं आती जिस ढंग से रफेल वाले मामले में उन्होंने झूठ बोला है। सीएजी रिपोर्ट से सरकार को राहत, लेकिन विरोधियों का हमला जारी। सीएजी रिपोर्ट इज ए वर्थलेस रिपोर्ट, इनफैक्ट आई वुड टर्म इट एज ए चौकीदार ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, दैट्स हाउ आई वुड टर्म इट। इज नरेंद्र मोदी रिपोर्ट रिटन फॉर द चौकीदार ऑन बिहाफ ऑफ द चौकीदार फॉर द चौकीदार बाय द चौकीदार। तो वो रिपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं। और दूसरा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिस आदमी को उन्होंने ही बनाया और जो आदमी खुद नेगोशिएशन था, अब वो रिपोर्ट बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा था एयरफोर्स को कमजोर करना चाहती है कांग्रेस। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? आज सोनिया गांधी बोली, ब्लफ देने वाली रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार में ठगी और धमकी ही शासन का सिद्धांत बन चुका है। सच और पारदर्शिता को बेशर्मी के साथ दरकिनार कर दिया गया है, जबकि पिछले 5 साल से अर्थव्यवस्था के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां हैं। राफेल पर ब्लफ मास्टर कौन? तो देखिए, ब्लफ बस्टर कहा गया है सोनिया गांधी की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राफेल के मुद्दे पर सीएजी रिपोर्ट आने के बावजूद राहुल गांधी मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। और इस बीच मैं चर्चा खोलती हूं, खास मेहमानों का रुख करती हूं, और सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज जी, ब्लफ की राजनीति राफेल पर कौन कर रहा है सर? देखिए, कई दिनों से हमारी ये चर्चा हो रही है, आप रोमाना जी चर्चा कर रही हैं। आज ये बात साफ हो गई कि कांग्रेस ने देश से झूठ बोला। राफेल पर जिस तरह की चर्चा कांग्रेस ने की, सीएजी की रिपोर्ट से, कांग्रेस को आज देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलती स्वीकार करेंगे तो अच्छा होगा उनके लिए। वो स्वीकार कर लें कि उनसे झूठ बोलकर देश को उन्होंने गुमराह किया है। राफेल का मुद्दा आज कांग्रेसियों के चेहरे की हंसी उड़ा दे दिया है, ठीक है, क्योंकि राफेल पर वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन सीएजी ने कहा ये 2.6% सस्ता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सीएजी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सब ने कह दिया, अब किसका इंतजार है? अब कांग्रेस को, विपक्षी दलों को देश से माफी मांगने का वक्त आ गया है। और हम ये मानते हैं कि जिस तरह अरुण जेटली जी ने कहा कि आखिर एक झूठ को कितनी बार बोलते, पहले कह रहे थे सीएजी की रिपोर्ट पीएससी में, समय हो गया सर, समय हो गया। आपने जो बड़ी बात कही कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, अभय दुबे जी प्लीज रिस्पॉन्ड, सीएजी की रिपोर्ट आने के बावजूद आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं सर, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ना सीएजी की रिपोर्ट, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सर्टिफिकेट देगी क्या इस देश में कि किसने भ्रष्टाचार किया किसने नहीं? आपका समय शुरू होता है अब, अभय दुबे। देखिए, भाजपाई झूठों ने कैक झूठों से कहा कि सच बोलो, अरे मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? वो जो कैग हैं राजीव महर्षि साहब, वो 24 अक्टूबर 2014 से 30 अगस्त 2015 तक फाइनेंस के सेक्रेटरी थे। और ये जानना चाहिए शाहनवाज जी को कि जो इंडियन निगोशिएटिंग टीम है उसमें एक्सपेंडिचर विंग जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो पार्टिसिपेट करता है। तो जो जिस मंत्रालय का एक प्रमुख है उसके अधीनस्थ लोग अगर उसको हैंडल करते हैं तो वो फिर कैसे अपने खुद के खिलाफ कोई रिपोर्ट देगा? वो तो अपने पक्ष में ही देगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो बेसिस बनाया है इस रिपोर्ट ने, पार्ट बी एक्विजिशन ऑफ 13 राफेल एयरक्राफ्ट,
इसमें वो ये सवाल खड़ा करते हैं कि जो बेंचमार्क प्राइस है वो बहुत कम करके बताया गया है और जो निगोशिएटिंग टीम के मेंबर का डिसेंट है ये कॉपी मेरे पास पड़ी है वो ये बताते हैं कि जो सुनील सिंह जी सवाल मेरा सीधा आपसे सीएजी रिपोर्ट को क्या अंतिम मान लेना चाहिए रफेल डील पर। सुनील सिंह जी आपका समय शुरू होता है अब। देखिए रफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला आने के बाद और अब सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद जो रवैया कांग्रेस का है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी नेशनल है और राष्ट्रीय सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करता है, भारतीय सेना के जवानों का मोराल कम करता है और वायुसेना को एक अच्छी विमान आने से विलम्ब करने में वायुसेना की ताकत को कम करता है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है कि राहुल गांधी जी को अब ये बात सोच लेना चाहिए कि ऐसे मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाकर जिसमें कि अगर उनके हक में फैसले नहीं आते हैं तो सीधा वो संवैधानिक संस्था को ब्लेम कर देते हैं। अब सीएजी पर बोलिए, जब सीएजी के पास कांग्रेस डेलीगेशन मिलने गई थी क्या आप इसमें देखा जाए उस वक्त ये बात नहीं मालूम थी क्या कि राजीव महर्षि है और कोई व्यक्ति अगर यार सीएजी है तो कल कोई पिछले बार तो कोई अच्छे पद पर रहा होगा। मनोजीत मंडल अब हमारे साथ मौजूद है। मनोजीत मंडल जी आपने अब तक की चर्चा सुनी, ऐसे में मुझे ये बता दीजिए सीएजी रिपोर्ट आने के बाद इस रफेल डील में अगर आपको कोई सवाल नजर आ रहा है अब भी तो वो है क्या सर? एक मिनट शुरू होता है अब। सवाल तो बढ़ गए, सवाल कम ना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन सवाल फिर से बढ़ गए क्योंकि अभी तो पूरा इंक्वायरी चाहिए। आप देखिए जो मेरे कांग्रेस के साथी ने जो बताया बिल्कुल जायज है कि ये सब तो मिनिस्ट्री के अंडर काम करते थे और बीजेपी के ये छोड़िए सब बीजेपी का जो संस्थान है सरकारी या संवैधानिक जो संस्थान है सबको तो एकदम पूरा जला के राख कर दिया। सीबीआई को देखिए, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कालो साहब जो पहले पिछला वाला जो डायरेक्टर था इंटीरियम जो हैंडपिक डायरेक्टर था बीजेपी के वो सब सुप्रीम कोर्ट में कल बैठे थे, बोला सुप्रीम कोर्ट के आप खड़े एकदम बिल्कुल कोने में बैठे रहो और 1,00,000 का फाइन लगाया। ये इतिहास है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए आज तक की सीबीआई या पुलिस इतिहास में कभी नहीं हुआ कि टॉप का जो ऑफिसर उनके ऊपर 1,00,000 का फाइन लगा क्योंकि कंटेम्प्ट था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया गया। तो अब किसको माने ये सरासरा पूरा समय हो गया है। आपने बड़ा मुद्दा उठाया संस्थाओं के जरिए मैनिपुलेट कर रही है मोदी सरकार। ठीक है सर, अब मैं चर्चा खोल रही हूँ और अब मैं सबसे पहले शाहनवाज जी का रुख करूंगी। शाहनवाज साहब आपने अपनी बात में कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, देश से माफी मांगे। मेरा सवाल आपसे, क्या देश की रक्षा मंत्री जिन्होंने संसद में कहा था 9% सस्ती है ये डील और आज सीएजी रिपोर्ट ने इसे खारिज किया, क्या आप लोग इस गलत बयानी के लिए माफी मांगेंगे आज देश से? गलत बयानी इसमें क्या है, हमने कहा कि यूपीए से सस्ती है सर, 9% सस्ता होने का आंकड़ा दिया गया रक्षा मंत्री की तरफ से संसद में। कहा तो सस्ती है कि नहीं रमाना जी, मैं संविधान की आपकी शपथ के कार्यक्रम में शपथ लेकर कहता हूं कि हमारी डील 2.86% सस्ती निकली कि नहीं। सीएजी ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस डिबेट में आई, दुबे जी को जबरदस्ती का शोर मत मचाइए, ढंग से मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं सीएजी रिपोर्ट के आधार पर सवाल कर रही हूँ सर, मैं इधर उधर से कोई सवाल नहीं लेकर आ रही हूँ। पहली बात आप कह रहे हैं कि इसमें माफी की कोई बात नहीं है, ठीक है सर। अब दूसरी बात सुनिए सुनिए सर, सीएजी रिपोर्ट बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी सर, बहुत पढ़ के निकाला है। ठीक है सर, ठीक है ये बता दीजिए, इसी रिपोर्ट में कहा गया कि पहले 36 एयरक्राफ्ट में 16 इंजन लगने थे, 36 एयरक्राफ्ट में 16 इंजन प्लस स्पेयर्स, बाद में कॉन्ट्रैक्ट बदला 12 इंजन प्लस स्पेयर्स, इसका मतलब क्या है देश को बताइए। बिल्कुल देखिए देश को मालूम होना चाहिए कि जो आज उस वक्त जितने बदलाव हुए उन बदलाव के बाद ये पूरा विषय सीएजी के पास था और सीएजी ने उन सारी रिपोर्ट को सत्य कहा है।
सर, सीएजी ने सत्य झूठ का फैसला नहीं किया है। सीएजी ने कहा है यूपीए से सस्ती आपकी डील। सीएजी ने यह कहा है 2.86%। मैं सीधा सवाल कर रही हूँ। साथ ही ये भी कहा है सीएजी की रिपोर्ट ने कि पहले 36 एयरक्राफ्ट में 16 इंजन लगने थे, उसके बाद डील बदली 12 इंजन पर आए। जबकि आप लोग बार बार कहते रहे कि डील में किसी तरीके का बदलाव नहीं है। बिल्कुल वैसा ही विमान जो यूपीए ले रहा था, ये वैसा विमान नहीं है। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और इक्विपमेंट देखिए, ये सीएजी की रिपोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि वो वैसा विमान नहीं है। इसका क्या उसी मतलब कंपनी से खरीदा जा रहा, ये 16 की जगह 12 का मतलब क्या है? 12 ये टेक्निकल विषय है ना। अब उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे वो चर्चा होगी। यहाँ सिर्फ इंजन की बात हो रही है सर। 16 इंजन की जगह घटाकर 12 किया गया। आपने सिर्फ एक लाइन इंजन पढ़ लिया है। आपने एक लाइन इंजन 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 लगने दी 16 की जगह 12, जरूरत थी 12 की 12 लगी, 12 लगनी थी 12 लगी, 12 लगनी थी 12 लगी। जितनी सीधा जवाब आपको जो पसंद हो वही जवाब देंगे क्या? जवाब दिया ना मैंने सर। जरूरत 12 की थी 12 लगी, जरूरत 12 की थी 12 लगी। जरूरत 12 की थी, जो डील हो रही थी आपने उसमें बदलाव किए और उसके हिसाब से अगर रेट कम होगा तो फिर कैसे आप ये दावा कर सकते हैं कि डील बढ़िया है? फिर तो आपने नेगोशिएशन नए स्तर पर किया ना सर। आपने सामान कम कर दिया। आगे मैं आपको बताती हूँ। अभी तक तो मैंने कोई सामान कम नहीं किया। किया सर, किया। सुनिए, आप सुन नहीं रही हैं। आप इतना जोर से क्यों बोल रही हैं? आराम से कहिए ना बात। आप इतना, मैं आपको जवाब दे तो रहा हूँ। अब आराम से सुनिए, मिसाइल की बात भी की गई है इस रिपोर्ट में। अगर आपने पढ़ा होगा मैडम जी, A1 मिसाइल जो लगने थे, A1 मिसाइल जो लगने थे, जिनको ये कहकर हटा दिया गया कि वो A1 मिसाइल, क्योंकि DRDO बना रहा है तो हमें ये A1 मिसाइल नहीं चाहिए। आवाज आ रही है तो कम करवा दीजिए थोड़ा। A1 मिसाइल वो भी बदले गए, उनमें भी तब्दीली की गई। इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ सर, अगर जवाब है तो। जो जरूरत थी राफेल के लिए उसमें कई इक्विपमेंट लगाए गए, और जो इक्विपमेंट लगाए गए वो सही लगाए गए। जो इसके अंदर कांग्रेस के दौर में जब विमान खरीदा जा रहा था, ये पूछ रहे थे कि आपने क्या क्या लगाए, उसका डिटेल हमने कहा कि जो हमें देना था हमने सीएजी को दिया और सुप्रीम कोर्ट को दिया। उसमें तो ये विमान सारे इक्विपमेंट पहले 16 लगने थे, आपने 12 इंजन चुने। पहले जो A1 मिसाइल का नाम नहीं दिया गया है, ऑब्वियसली सीएजी की रिपोर्ट है ये। उसने कहा A1 मिसाइल लगना था, आपने उसे बदल दिया। चलिए मैं बढ़ती हूँ आगे और मैं रुक करती हूँ अभय दुबे का। प्लीज रिस्पॉन्ड अभय दुबे जी। रोमाना जी, जी देखिए रोमाना जी, एक बात मैं गंभीरता से बताना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन वो जो A1 मिसाइल है, स्वाभाविक रूप से अगर वो इंडिजीनियस प्रोडक्शन हो गया है तो हम ऑप्ट नहीं करेंगे और उसकी जगह दूसरी ऑप्ट की। बड़ा गंभीर सवाल मैं इस पर खड़ा करता हूँ। रिपोर्ट का जो बेसिस है वो ही बदल जाएगा इसमें। उसमें जब इंडियन निगोशिएटिंग टीम के लोगों का, जो 3 लोगों का डिसेंट नोट है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो ये कहता है कि बेंचमार्क प्रिपेयर्ड बाय इंडियन निगोशिएटिंग टीम वाज ऑफ फर्म फिक्स्ड प्राइस। वो ये कह रहा है कि जो हमने बेंचमार्क प्राइस किया था उससे 55.6% अधिक में मोदी सरकार ने खरीदा है। उसने ये भी आरोप लगाया कि जो यूरो टाइफून से यूरोपियन एरोनॉटिक डिफेंस एंड स्पेस कंपनी लिमिटेड, वो तुरंत 20% कम करने को तैयार थी। जो L2 थी, L1 और L2 टेक्निकली दोनों सेम थे, प्राइस का अंतर था। ठीक है तो सर, ये डिसेंट था, ये सीएजी ने लिया ही नहीं इसको। ठीक है सर, 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 मुझे रुकना होगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जो बात यहाँ पर अभय दुबे कह रहे हैं, शाहनवाज हुसैन साहब, सुनील सिंह जी, आपको भी जवाब देना चाहिए क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, मैं यहाँ पर किसी अधिकारी के डिसेंट नोट का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं हवाला दे रही हूँ सीएजी रिपोर्ट का। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 2007 और 2016 की डील में प्राइस और डिजाइन में अंतर था, जबकि सरकार बार बार कहती रही है कि यह बिल्कुल वैसा ही विमान हम लेकर आ रहे हैं जैसे यूपीए ला रही थी। तो फिर वही बात कि क्या सरकार ने, सदन में रक्षा मंत्री ने देश को गुमराह किया, गलत बयानी की? इस सवाल के साथ चर्चा जारी है, रहिए हमारे साथ।